हेलो हॉरर मूवी फैंस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द डेथ फ्रेंड। ये मूवी 2004 में आई थी और इसे लिखा और डायरेक्ट किया है किम ताई योंग ने। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम मिलते हैं तीन फ्रेंड से, जिसमें से एक का नाम इयोन जुंग था। वो एक ओझा बोर्ड पर रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के स्पिरिट को बुलाना चाहती थी, और कुछ ही देर में स्टोन मूव करने लगता है और वो रिवेंज वर्ड पर स्टक हो जाता है। इसका मतलब वो स्पिरिट यहाँ किसी से रिवेंज लेने आई थी। ठीक उसी वक्त वहाँ रूम का डोर ओपन होता है और हमें वहाँ एक साया दिखता है, बट सामने आते ही पता चलता है कि वो योंग जंग की बहन योंग सियो है। यहाँ योंग जंग अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक कर रही थी, बट ये प्रैंक योंग सियो को कुछ खास पसंद नहीं आता और वो योंग जंग को डांट देती है और कहती है कि वो ऐसे फालतू बातों पर अपना वक्त बर्बाद ना करे और उसे सोने के लिए भेज देती है। जब योंग सियो किचन में जाती है तो वो देखती है कि सिंक में पानी ब्लॉक हो रहा था, तो वो फिल्टर निकालने लगती है, बट उस फिल्टर के साथ उसके हाथ में बहुत सारा बालों का बंच आ जाता है। वो डर जाती है और पीछे होती है, तभी बहुत सारा पानी उसके लेग्स के थ्रू उसके शरीर के अंदर एंटर करने लगता है, और देखते ही देखते उसके मुंह से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और तभी उसकी मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जीवन पर, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसका सिर्फ एक ही दोस्त है पार्क। पार्क एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, पर अब वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है ताकि एक अच्छी सी जॉब लेकर वो अपनी लाइफ स्टेबल कर सके। पार्क जीवन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था और उसकी बहुत केयर किया करता था। पार्क के मन में जीवन के लिए फीलिंग्स थी, पर जीवन को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम जीवन को एक थेरेपिस्ट के पास देखते हैं और हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले जीवन के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसमें उसकी 50% मेमोरी चली गई थी। अब उसे बस इतना ही याद है कि उसकी एक माँ है और एक दोस्त है। इसके अलावा जीवन को उसके पास लाइफ में क्या हुआ था ये कुछ भी याद नहीं। इसके साथ हमें पता चलता है जीवन के माँ के साथ उसकी बॉन्डिंग कुछ खास अच्छी नहीं थी। दरअसल जीवन के पिता के मौत के बाद उसकी माँ की मेंटल कंडीशन कुछ अनस्टेबल सी हो गई थी। सारा दिन वो घर में शराब पीती थी, और उन्हें एक बड़ा शौक तब लगता है जब जीवन उन्हें कहती है कि वो इस घर को छोड़ रही है। उसकी माँ उसे समझाती है, बट अब जीवन को उसकी अपनी स्पेस चाहिए थी। जीवन अपनी पास इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं जानती थी, फिर भी उसे कई बार हेलुसिनेशन आते थे और वो अब अपनी लाइफ में चेंज चाहती थी। नेक्स्ट सीन में जीवन को मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम युजुंग था। वो जीवन को एक फोटो देती है जिसमें तीन लड़कियों के साथ जीवन भी थी। इसका मतलब ये सारे कभी फ्रेंड्स थे। और उस फोटो में हमें योन सियो भी दिखती है जिसकी मौत पहले ही हो चुकी है। अगर ये जीवन की फ्रेंड है तो उसे उस इंसिडेंट के बारे में ज़रूर पता होगा। यही सोचकर वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में उसे पूछती है, मगर युंग जुंग उसे कहती है फिलहाल ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी उसको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। उसको लगता है जीवन उसकी बातें समझ गई है, बट जीवन कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो अपने दोस्त पार्क की हेल्प लेती है। इससे पहले हम देखते हैं युजुंग के साथ कुछ स्ट्रेन इंसिडेंट होने लगते हैं। वो डार्क रूम में फोटो प्रिंट कर रही होती है, तभी उससे कुछ अनयूजुअल फील होता है। उसे अंधेरे में एक डरावना साया दिखाई देता है और हम सिर्फ उसकी चीखें ही सुन पाते हैं। सीन में पार्क जीवन को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, पर जीवन को ये सही नहीं लगता। वो उसे कहती है कि वो उसके लिए सिर्फ एक दोस्त है और पार्क ये बात हमेशा याद रखे। बेचारा पार्क फ्रेंड जोन हो जाता है। वो उसे हर तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर जीवन ये कभी नोटिस ही नहीं करती। उसी रात हम जीवन की माँ को देखते हैं जिनका बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट हो चुका है। वो बहुत ही पोलाइट हो गई हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें हम वही नेकलेस पहने देखते हैं। शायद उन्हें वो नेकलेस काफ़ी पसंद आ गया था। नेक्स्ट सीन में हम पार्क और जीवन को एक थिएटर में देखते हैं, बट जीवन अपने नेल्स चबा रही थी। ये बात पार्क को बड़ी अजीब लगती है। तभी जीवन को एक औरत का साया दिखाई देता है और वो चिल्लाने लगती है। बहुत मुश्किल से पार्क उसे कंसोल करता है, और हम देखते हैं इस इंसिडेंट से पार्क डिसअपॉइंटेड होता है, क्योंकि वो पहले से ही इस अनक्लेरिफाइड रिलेशन को निभा रहा है
और अब ये जीवन का बदलता बिहेवियर। खैर, वो जीवन को फिर से क्लास ले जाने लगता है, तभी जीवन से मिलने एक ऑफिसर आते हैं, बिकॉज यूजुंग की मौत हो चुकी थी और वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी, एक दूसरे की फ्रेंड थी, तो शायद जीवन को कुछ पता होगा। बट हम जानते हैं कि उसे कुछ नहीं पता, वो बेचारी खुद ही उलझन में फंसी है। ऑफिसर से बात करने के बाद वो अपने स्कूल जाती है और उसे वहाँ हेलुसिनेशन होने लगते हैं। वो खुद को और अपने दोस्तों को देख पा रही थी और इसी हेलुसिनेशन स्टेट में स्टोरी के कुछ प्लॉट रिवील होते हैं। हमें पता चलता है इन चारों की एक और फ्रेंड थी जिसको ये चारों मिलके बुली करते थे, उसे तंग किया करते थे। अब ये फ्रेंड कौन है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इनमें पार्क के कहने पर जीवन यूजुंग के फ्यूनरल में जाती है, जहाँ योंग सियो की सिस्टर भी होती है, जो जीवन को देखते ही बहुत वायलेंट हो जाती है और उसे स्लैप कर देती है। शायद वो अपने बहन की मौत की वजह जीवन को ही मानती थी। रात में जीवन को फिर से हेलुसिनेशन होने लगते हैं, उसे अपने ही बेड पर अपना ही फिगर दिखाई देता है। वो इस सिचुएशन में नॉर्मल होने के लिए अपना हाई स्कूल एल्बम देखने लगती है। वहाँ उसे योनसियो की सिस्टर का एड्रेस मिलता है। वो तो जीवन से बात ही नहीं करना चाहती, बट बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो उसे पास्ट के बारे में बताने के लिए मान जाती है। वो उसे बताती है कि ये सब उसी की गलती है। दरअसल उस रात मजाक में ही सही, उस ओझा बोर्ड के रिचुअल से ये आत्मा यहाँ आ गई है। उसके ये छोटे से गलती से ही उसकी सारी खुशियाँ उजड़ चुकी है। अलावा वो मिक्यू के बारे में बताती है, जो इन चारों दोस्तों में से आखिरी दोस्त है। वो अभी पूरी तरह से पागल हो चुकी है और हॉस्पिटल में एडमिट है, ये कहकर वो रोने लगती है। जीवन उसे दिलासा देकर बाकी के जवाब लेने हॉस्पिटल में जाती है मिक्यू के पास। अब वो उसकी आखिरी होप बची थी जो उसे पूरी सच्चाई बता सकती थी, बट उसकी होप टूट जाती है जब वो मिक्यूंग से मिलती है, क्योंकि वो उस कंडीशन में ही नहीं थी कि इसे कुछ बता पाए। वो जीवन के बहुत पूछने पर सिर्फ एक ही बात कहती है, सुइन, और उस पर हमला कर देती है। जीवन पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो चुकी थी, उसे अपने ही आइडेंटिटी पर शक होने लगा था। बहुत मुश्किल के बाद पार्क उसे समझाता है। नेक्स्ट सीन में उसे सोइन के माँ के बारे में पता चलता है। जीवन को उसके घर पे एक डॉल मिलती है, इसे देखकर स्टोरी का और एक प्लॉट रिवील होता है। हमें पता चलता है सोइन जीवन की ही फ्रेंड है। दरअसल दोनों की फैमिली एक दूसरे को बचपन से जानती थी। इन दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई फ्रेंड नहीं था, वो हमेशा एक साथ रहते, बट वक्त के साथ इन दोनों के दोस्ती में बदलाव आ गया था। जीवन के पिता एक अमीर आदमी बन गए, जिससे जीवन की लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क आ गया। नए दोस्त, नए लाइफस्टाइल के साथ उसने एक नई लाइफ शुरू कर ली थी, लेकिन सुइन में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो अब भी जीवन को अपना फ्रेंड मानती थी, इनफैक्ट वो तो उसी की तरह बनना चाहती थी। बट जीवन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, बिकॉज अब वो उसकी कॉम्पिटिटर ना रही। वो तो हमेशा ही उसे ह्यूमिलिएट किया करती, जिससे सुइन उससे दूर रहे, बट वो बेचारे के दिल में अब भी जीवन के लिए अच्छाई थी। उसके माँ से पता चलता है कि वो जीवन को हमेशा घर लाना चाहती थी, बट अपने घर की हालात की वजह से ला ना पाई। पर अब सुइन कहाँ है वो उन्हें भी नहीं पता, और इसी बात का उन्हें सबसे बड़ा दुख है। जब जीवन पार्क के साथ उस फोटो के बारे में बात कर रही थी, तब उसे क्लिक होता है कि ये फोटो में वो चारों दोस्त है। इसका मतलब ये फोटो किसी पांचवे इंसान ने खींची है, और इस इंसान के बारे में उसे बस मिक्यूंग ही बता सकती है। तुरंत ही उससे मिलने हॉस्पिटल भागती है, बट हम देखते हैं हॉस्पिटल में मिक्यूंग को फिर से दौरे पड़ना शुरू हो जाता है। उसे एक ब्लैक शैडो दिखाई देता है, और देखते ही देखते उसका बेड एक पूल में बदल जाता है, और मिक्यूंग की उसी पानी में डूब कर मौत हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली जीवन की आखिरी उम्मीद भी मिट गई थी। वो उससे बहुत दुखी होती है, क्योंकि सच जानने का उसके पास एक ही मौका था और वो उसने खो दिया है। उसका बयान सुनकर पुलिस भी उस पर यकीन नहीं करती, ऐसे बातों पर कौन यकीन करेगा भला, और ये केस क्लोज हो जाता है। पार्क जीवन को चेयरअप करने के लिए एक वाटरफॉल ले जाता है। दोनों वहाँ बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं और अपनी फाउंड मेमोरीज को याद करते हैं। पार्क उसे पीने के लिए पानी देता है, जैसे ही वो पानी पीने लगती है उसे कुछ याद आता है। यह स्टोरी का मेन राज रिवील होता है, और उस इंसिडेंट के बारे में हम व्यूअर्स को अब पता चलेगा। हमें पता चलता है कि जीवन अपने दोस्तों के साथ इसी वाटरफॉल पे घूमने आई थी।
उसके फ्रेंड्स के मना करने पर भी वो सुइन को यहाँ लाती है ताकि वो इन सब की बैग कैरी करे और उसे सुइन को ह्यूमिलिएट करने का और एक मौका मिलेगा। वही वाटरफॉल के यहाँ ये चारों सुइन को पानी में धक्का दे देती है। जीवन को पता था कि सुइन को तैरना आता है, इसलिए वो उसके साथ प्रैंक कर रही थी। वही वो तीनों दोस्त मिलकर जीवन को भी पानी में धक्का देती है, बट उन्हें पता नहीं था कि जीवन को स्विम करना नहीं आता। सुइन उसकी मदद के लिए पानी के नीचे जाती है और जैसे तैसे उसे ऊपर पुश करने की कोशिश करती है, बट इस सब के बीच सुइन का पाँव पत्थर के बीच अटक जाता है। वो जीवन की मदद मांगती है, बट जीवन यहाँ भी अपनी सेल्फिशनेस दिखाती है और उसे वही छोड़कर चली जाती है। इससे सुइन की वही पानी में दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। जीवन को शौक तब लगता है जब उसे डूबता देख उसके फ्रेंड स्माइल कर रहे थे। इससे उनकी जीवन की तरफ नफरत साफ दिखाई दे रही थी। ये सब याद आने के बाद जीवन उसी वक्त पानी में कूदती है और उसे नीचे सुइन दिखाई देती है। वो उसी कंडीशन में थी जिस तरीके से जीवन उसे छोड़ गई थी। जीवन उसे गले लगाकर रोने लगती है। इसके बाद पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करती है और सुइन की माँ को भी पता चलता है कि उसकी बच्ची मर चुकी है। जीवन को भी इससे बहुत दुख होता है। उसे ये समझ नहीं आता कि ये वो सब कैसे कर सकती है। वो कैसे सुइन को इतना परेशान करती थी, कैसे उसे इतना ह्यूमिलिएट कर सकती है। उसे ये सब सोचकर खुद पर बड़ा गुस्सा आता है। फाइनली पार्क ही उसे कंसोल करता है। जब जीवन घर जाती है, वो अपनी माँ को देखते ही उनको हक करके रोने लगती है और अब वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली थी क्योंकि उसके लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसके माँ का एक स्ट्रेंज रिप्लाई आता है। वो कहती है, ये तो अभी शुरुआत है। ये सुनकर जीवन को थोड़ा अजीब लगता है और वो पीछे हो जाती है। और तभी हमें जीवन के माँ का असली रूप दिखाई देता है और यहाँ स्टोरी का फाइनल क्लाइमैक्स रिवील होता है। हमें लगता है कि सुइन की स्पिरिट ने जीवन की माँ को पोजेस कर लिया है, बट ये सुइन की नहीं जीवन की स्पिरिट थी और जिसको हम जीवन समझ रहे थे वो एक्चुअली सुइन थी। और ये सुनकर जीवन को सब याद आने लगता है कि कैसे उसकी हैबिट में चेंज आने लगा है, कैसे वो जीवन की तरह बन रही है और सबसे बड़ी बात ये कि वो पानी के बाहर कैसे आई, उसे स्विम करना कैसे आया। मुझे पता है आपको ये कंफ्यूजिंग लगेगा, तो अभी मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ। दरअसल उस इंसिडेंट के दिन सुइन के साथ साथ जीवन की भी मौत हो गई थी, बट उस पानी से बाहर निकलते वक्त उन दोनों की स्पिरिट्स एक्सचेंज हो गई थी, इसलिए सुइन की स्पिरिट जो जीवन के अंदर थी वो स्विम करके पानी से बाहर आ गई। और उन तीनों दोस्तों को जीवन के स्पिरिट ने मारा था क्योंकि उनकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। पर अभी जीवन को अपनी बॉडी वापस चाहिए थी और देखते ही देखते जीवन की माँ के मुंह से बहुत सारा पानी आने लगता है और जीवन की स्पिरिट सुइन पर हमला कर देती है। पर इस बार सुइन अपना बचाव करना जानती थी। उसे पता था जीवन ना पहले बदली थी ना अब, तो वो बगल में पड़ा एक कांच का टुकड़ा उठाती है और उससे अपना हाथ काट देती है, जिसे देखकर जीवन की स्पिरिट चिल्लाने लगती है और उसी वक्त सुइन भी वहाँ बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ सुइन एडमिट होती है। पार्क ने ही उसे कल रात को बचाकर वहाँ एडमिट किया था और अब उसकी माँ भी ठीक है और उसी हॉस्पिटल में एडमिट है। पार्क के लिए वो फिजिकली जीवन ही थी, बट सुइन की स्पिरिट जो जीवन के अंदर थी वो सारा सच जानती थी। बट अब उसने मान लिया था कि अभी उसे पूरा जीवन उसी आइडेंटिटी के साथ जीना है। पर जीवन की स्पिरिट का क्या हुआ? शायद उसे भी शांति मिल गई होगी, पर नहीं। जीवन की माँ सुइन को बड़े गुस्से से देख रही थी और उनकी आंखों को देखकर लग रहा था कि शायद जीवन की स्पिरिट अभी भी उनके अंदर ही प्रेजेंट है। और उसी के साथ मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्ती की ऐसी अनोखी कहानी मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। आपका इस पर क्या व्यू है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो कहती हूँ आपको अलविदा विद वादा कि ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।